स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर जिसको हम पहले से कर रहे थे, नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आई होप बड़ी छोटी सी वीडियो है जो ये वीडियो आपको क्लियर कर पाएगी कि हम लोग कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और आज के वीडियो में खास बात क्या है कि जो क्वेश्चंस मैं लास्ट में पूछता था इस बार मैं वो शुरू में ही आपसे पूछ रहा हूं। आपको इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर देने हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है इफ अ पार्टनर पेड एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर खर्चे पे करता है देन व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास, तो क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी। दूसरा है बेटा इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है इट विल बी ट्रांसफर टू, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड में ट्रांसफर की जाएगी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपको बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी बेटा टॉपिक नहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा कब, इफ बुक वैल्यू ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर हमारी बुक वैल्यू कम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की और उसका कंपनसेशन ज्यादा है, उसका क्लेम ज्यादा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट आप लोग करेंगे। ये तीन क्वेश्चंस इनका जवाब आपको देना है। आज तक की वीडियो में हम ये सब कर चुके हैं तो आपको बताना है इनका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है बेटा कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है बेटा, जिसको हम लोग उस टाइम बनाते हैं जब देयर विल बी अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो हर बार हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे ये वाला चैप्टर हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर हो। तो बेटा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हर बार बनाना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉमिनल अकाउंट है जो आपको दिखाता है जब हमने असेट्स को रिवैल्यूड किया या लायबिलिटी को रीअसेस किया तो उससे हमारे को क्या प्रॉफिट हुआ या फिर हमारी फर्म को क्या लॉस हुआ। जितने भी लॉस होंगे बेटा वो लॉस लिखने हैं डेबिट साइड में, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब लिखने हैं क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा डेबिट साइड के कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा डेबिट में बेटा वो आएगा टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, कि अगर रिवैल्यूएशन करने से आपकी असेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो जितनी कमी आई है वो आपके लिए फर्म के लिए लॉस है बेटा, उसको हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। दूसरा है बेटा टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। अगर आप अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं और उसकी वजह से आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो बेटा ये भी फर्म के लिए लॉस है, क्योंकि पहले हमने बुक में जितना लिखा था उसके अकॉर्डिंगली पे करना था कम, बट रीअसेसमेंट के बाद पता चला कि हमें लायबिलिटी पे करनी है ज्यादा, तो वो लॉस है बेटा, वो भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है बेटा वो है टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में क्या आएगा बेटा, मान लीजिए जिस डेट पर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है उस डेट पे जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है, बट एट द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हमने दोबारा से अपनी फर्म की लायबिलिटी चेक की तो हमें पता चला एक लायबिलिटी ऐसी है जो बुक्स में नहीं लिखी बट वो हमें पे करनी थी, वो पुरानी फर्म की है जो भी हमें पे करनी है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए भी बेटा ये हमारी डेबिट साइड में है।
इसके बाद आता है बेटा टू कैश या बैंक अकाउंट। ये है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर फर्म को कोई खर्चा उठाना पड़ रहा है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपने एक सर्टिफाइड इंजीनियर को बुलाया अपनी बिल्डिंग की वैल्यू चेक कराने के लिए, तो आपको उसकी कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेंसेस है बेटा, वो आपके लिए खर्चा है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है। तो ये आपके लॉस को बढ़ाएगा, तो इसलिए इसको भी हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट आएगा बेटा वो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्या आया है, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के काम के लिए फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया है कि भाई आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का सारा काम संभालना है, और उसके बदले फर्म उसको कुछ रेमुनरेशन पे करेगी, तो वो भी फर्म के लिए खर्चा है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा बेटा। ये है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, ये हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये सब हमारे खर्चे हैं, पांच खर्चे हैं, ठीक है, पांच लॉस है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी पे जो हो सकते हैं, वो हमें सब रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनकम और गेन्स, ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनकम और गेन्स। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है इनकम और गेन्स किस चीज के बेटा, अगर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स करने से हमारी बुक में जितनी असेट्स की वैल्यू है रिवैल्यूएशन के बाद वो बढ़ती है, तो वो हमारे लिए फायदा है। इसके अलावा अगर हमारी कोई लायबिलिटी कम होती है रीअसेसमेंट के बाद, तो वो भी हमारा फायदा है, और ये सब फर्म के लिए गेन है, फायदे हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो सबसे पहले लिखोगे बेटा बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। दूसरा लिखोगे बेटा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, जितना हमारा असेट्स को रिवैल्यू करने से वैल्यू बढ़ता है वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर हमारी लाइबिलिटी रीअसेस करने के बाद कोई लाइबिलिटी कम हो जाती है तो वो भी हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद हम लिखेंगे बेटा बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर कोई ऐसी असेट्स है जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई है, जिसका पता हमें तब पता चला व्हेन देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तब हमें पता चला कि ये भी हमारे पास असेट्स थी बट इसको तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो ये हमारे लिए फायदा है, आपको उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये सब क्रेडिट साइड में तीन कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स क्रेडिट साइड के हैं। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन के बाद अगर हमारी क्रेडिट साइड इसका बैलेंस ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट का साइड ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे बेटा यहां पर, और लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और जितना भी प्रॉफिट है बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इस अकाउंट को हम लोग बंद कर देंगे। यह हमारा बैलेंसिंग फिगर है, कब, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो यह हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद हो गया। बट अगर इसका उल्टा होता है, जो कि एक ही केस में संभव नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर इसका उल्टा होता है, आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आपका डेबिट साइड है ज्यादा और क्रेडिट साइड है कम, तो यह हमारी फर्म के लिए लॉस है, और लॉस हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है बेटा, ये सब भी ओल्ड पार्टनर्स ही लॉस
बियर करेंगे और ये हम बंद कर देंगे यहां पर इसको भी, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। पहली चीज, रिवैल्यूएशन बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब आपका एमसीक्यू आएगा तो पूछा जा सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बताइए। बाय नेचर रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा, जो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना भी हमारी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है, हमें केवल चेंज वैल्यू रिकॉर्ड करनी है बेटा, ठीक है। हमें ये नहीं बताना टोटल बढ़कर कितनी हो गई या टोटल घटकर कितनी हो गई, जो बच्चे नॉर्मली गलतियां कर देते हैं। हमें ये बताना है कि बढ़ने से कितना हमारी असेट्स की वैल्यू में चेंज आया या फिर लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया, कितनी वैल्यू बढ़ी है या कितनी वैल्यू घटी है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल उसको रिकॉर्ड करना है।